माँ एक निका जहा शब्द है जो हर भाषा में एक ही अर्थ रखता है, प्यार अते कुरबानी का मुजस्मा। कल 12 मई को मदर्स डे है, इस शुभ मौके पर सारिया मातावां नूं बहुत बहुत वधाई। दूरों बैठ दुआवां कर दी अम्मी, दुख साडे लेखां दे जरदी अम्मी, वेड़े विच बैठी दा जी जिया डोले, सानू ना कुछ हो जाए डरदी अम्मी। दूरों बैठ दुआवां करदी अम्मी, दुख साडे लेखां दे जरदी अम्मी। दुनिया ते सुख सबर शांति ताए, क्योंकि सबना कोल मुल्ली माए, ताप चढ़े सिर पट्टियां तरदी अम्मी, दुख साडे लेखां दे जरदी अम्मी, वेड़े विच बैठी दा जी जिया डोले, सानू ना कुछ हो जाए डरदी अम्मी। ओ कामयाबियां पावन मेरे जाए, साडे लई ओ किस किस दर ते जाए, नंगे पैरी चौंकियां भरदी अम्मी, कुछ हो जाए डरदी अम्मी। उस दियां रीजां वेख होवे हैरानी, ओ सब तो उच्ची सुची है कुर्बानी, कदे ना थकदी कदे ना हरदी अम्मी, सानू ना कुछ हो जाए डरदी अम्मी। वेड़े विच बैठी दा जी जिया डोले, दुख साडे लेखां दे जरदी अम्मी। ओ धुप्पां विच चुन्नी नाल करदी छावां, पो माग वी जरन करड़ियां, सानू दिंदी निग ते ठरदी अम्मी, दुख साडे लेखां दे जरदी अम्मी। जिन्ना ने मावां दा मुल नहीं पाया, मंद भाग्यां डाडा पाप कमाया, अंदरों अंदरी
जांदी खरदी अम्मी सानू ना कुछ हो जाए डरदी अम्मी हो रब ना करे के ऐसी बिपताया आए ढिडों जमिया पहला ही ना तुर जाए रब ना करे के ऐसी बिपताया आए ढिडों जमिया पहला ही ना तुर जाए ये गल सुन दे सार ही मरदी अम्मी सानू ना कुछ हो जाए डरदी अम्मी वैसे ता रिश्ते ने होर बथेरे पर मावां दे बाजों करी होने रे वैसे ता रिश्ते ने होर बथेरे पर मावां दे बाजों करी होने रे रौनक है सरताज दे कर दी अम्मी सानू ना कुछ हो जाए डर दी अम्मी दूरों बैठ दुआवां कर दी अम्मी दुख साडे लेखा दे जरदी अम्मी वेड़े विच बैठी दा जी जिया डोले दुख साडे लेखा दे जरदी अम्मी थैंक यू बहुत बहुत मेहरबानी प्लीज गिव अ बिग हैंड सरताज ते साडे वीरां नूं भारत नूं 8 मई 1963 नूं इंग्लैंड लई छड्डिया 50 वरे हो चुके ने ते मैनूं कनेडा विच आया अगले बुधवार 15 मई नूं 45 वरे पूरे हो जाणगे जे मैं जीवन विच पिछे परत के गौना वेखां ते मेरे इस ब्रॉडकास्टिंग दे राह नूं मैं नहीं चुणिया सगों मैनूं इस मार्ग ने खुद चुणिया है मैं सारी उम्र नौकरी करके गुजरान की है मीडिया कदे भी मेरी उपजीविका का साधन नहीं बनया एक पैशन एक दिल बहलावे का ही साधन रहा तो हुण भी है परमात्मा करे इंज ही रहे मैं जिंदगी दे हर पल नूं मानण की कोशिश की है मेरे लिए जिंदगी दे अर्थ सा अंदर लेने ते बाहर कढ़ने नहीं मैं कित्थों आया हाँ ते कित्थें जाना है इस सोचण लई मैं समा बर्बाद नहीं करता स्वर्ग या नरक का मेरे मन विच तसव्वुर ही नहीं मेरे लिए जीवन केवल चलते रहने का ना है अपनी मौज में चलदा जे किसी का मेरे तो कुछ समर सके तो मेरे धनबाग जे ना कुछ हो सके तो भी मैं कदे भी किसी का बुरा नहीं लोचा जीवन में बहुत कुछ वापरता है पर जन्म विआह सेवा मुक्ति और मौत जीवन के चार मुख पड़ा हैं तो असी सारे किसी न किसी रूप में इन्हों पड़ावों गुजरते हैं साढ़े जीवन 50 साल की उम्र जवानी का बुढ़ापा और बुढ़ापे की जवानी होंगी है मेरे लिए हुण यह वक्त बीत चुका है जवानी दियां गलतियां अपने आप नूं सियाणे समझण अते बुढ़ापे दियां गलतियां हरेक वलों अपने आप नूं जवान समझण दे भुलेखे विच उपजदियां ने जे सोचण अते करन विच इक सुरता ना होवे तां गलतियां दी गिणती वध जांदी है सियाणे सच कहिंदे ने सफलता दे दुश्मण लभणे नहीं पैंदे खुद ब खुद ईरखा विचों पैदा हो जांदे ने बहुती वारी शीशे के घर में रहने वाले लोग बिना वजह होरना ते पत्थर मारन की भुल कर बैंदे ने जां खुद बद इखलाक लोगों नूं इखलाक दा सबक देण टुर पैंदे ने किसी के काम दी आलोचना करनी सरासर जायज़ है जिस विचों रचनहारे नूं सीखण नूं ते अपने आप नूं सुधारन बहुत कुछ लभदा है पर बिना विश्लेषण के निंदा करनी घोर पाप है अज का समा सांझा करने लई तुहाडा धन्नवाद
चन दी ते चाननी दी अपनी गलबात है, साढ़े इत्थे होण ते भी क्यों हनेरी रात है। चुप गया सूरज सुना के हुक्मनामा फुल नू, महक वंडनी है जरूरी जद होनी प्रभात है। तारियां दे पार जाके की करेगा आदमी, धरदे पिंडे ते सरदी जिस तों ना एक चात है। धन्यवाद।